नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा पाइथन का फुल ट्रेनिंग सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स के बारे में देखा कि पाइथन में डेटा टाइप्स का क्या रोल है, कितने पार्ट में बांटा गया है, डेटा टाइप का क्यों रिक्वायरमेंट हो, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल्स में देखा। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स में जो नंबर होता है उसका क्या मतलब होता है, इसको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, कितने टाइप में डिवाइड करके हम देख सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे विद एग्जाम्पल। मीन्स कि नंबर को हम इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड करके एक एक करके एग्जाम्पल करेंगे सबका। तो मीन्स कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, हम डेटा टाइप्स को इसलिए पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं ताकि एक एक छोटी से छोटी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताते चलूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट पर भी इजिली जाकर पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप कोड को भी कॉपी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इजीली विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स की, कि जो हमारा न्यूमेरिक जो नंबर डेटा टाइप है कि किस तरह का डेटा को होल्ड करके रखता है, स्टोर करता है। जो नंबर डेटा टाइप है दोस्तों, न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है। मीन्स कि जैसे ही हम कोई नंबर, कोई भी वैल्यू क्रिएट कर, जैसे एक्स हुआ, उसमें कोई भी नंबर डालते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि नंबर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका भी फॉर्म होता है, डायरेक्टली नंबर तो कोई डेटा टाइप होता नहीं है, तो इसको हम किस फॉर्म में रखते हैं उसका मतलब होता है नंबर को हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। मीन्स कि पाइथन है थ्री डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स को सपोर्ट करता है, एक होता है इंट, एक होता है प्लॉट, एक होता है कॉम्प्लेक्स। अब एक एक करके इंट का, प्लॉट, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। दोस्तों, नंबर का मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो डिजिट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसमें जो इंटीजर होता है दोस्तों, जो नॉर्मल डिजिट होते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसी में यहाँ पर पाइथन में ये भी बात सोचने वाली है कि इसमें इंटीजर में हम -1, -2, -3 इसको भी हम कंसीडर करते हैं, पाइथन कंसीडर करता है उसको भी एज ए इंट समझता है। और जहाँ पर डेसिमल लगाते हैं, जैसे किसी अपने कैलकुलेशन करते हैं, जैसे रुपए की या फिर मार्क्स की कैलकुलेशन करेंगे, जैसे पॉइंट में आने लगा, या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं जिसमें आप किसी, जैसे दुकान की सॉफ्टवेयर है, शॉप की, तो उसमें पैसे जो होते हैं कि 10 रुपये, 10.5 रुपीज, इस तरीके से जो पॉइंट आने लगा, जो कि हमें बोलते हैं डेसिमल, वो आने लगा, तो उसको हम प्लॉट डेटा टाइप में रखते हैं। मीन्स कि जो नॉर्मल डिजिट हो गया वो तो आपका इंटीजर में चला गया, जिसमें डेसिमल या पॉइंट आने लगा वो प्लॉट में जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट होते हैं, रियल पार्ट होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे, एक एक करके हम एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि जो पाइथन है थ्री डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स जो होता है, उसमें इंटीजर क्या होता है कि इंटीजर रिप्रेजेंट निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट्स। मीन्स जिसको हमने बोला कि डेसिमल, मीन्स कि इसमें डेसिमल नहीं होता है दोस्तों, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा पाइथन सेल की तरफ, इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा पाइथन सेल। दोस्तों, एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे वहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी बनाएंगे, बट अभी हम बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम नंबर्स को लेकर जो कि हम किसी वेरिएबल में डालेंगे और उसका टाइप चेक करते चलेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा किस किस तरीके के इंटीजर वैल्यू को हम पाइथन समझता है कि ये इंटीजर है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर डायनेमिकली टाइप्ड होता है, यहाँ आप डिफाइन नहीं करते हैं कि इंटीजर एक्स या इंट एक्स प्लॉट वाई, इस तरीके से आप डिफाइन नहीं करते, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। इसलिए मुझे यहाँ पर समझाना जरूरी है एज ए एग्जाम्पल के तौर पर कि हम यहाँ पर टाइप चेक करते चलेंगे, ताकि कौन कौन से ऐसे वैल्यू होते हैं जिसको पाइथन के जो इंटरप्रेटर है, डायनेमिक टाइप टाइप्ड होता है, जो कि रन टाइम पर किसको कौन सा डेटा टाइप डिफाइन कर देगा। जैसे मान लो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक्स लिखा, तो एक्स में हम अगर हम 10, 12 डाल दिया और इसको हम प्रिंट करते हैं, इसका टाइप चेक करने के लिए टाइप एक्स।
अब इसको जैसे इंटर हिट करेंगे, देखिए आप बता रहा है इंट, मींस कि ये एक्स को हमने पहले यहाँ पर इंट तो लिखा नहीं, यहाँ पर डायनेमिक टाइप पर मींस कि रन टाइप पर इंटरप्रेटर ने इसे समझा कि ये इंट टाइप का डेटा टाइप है एक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फ्लोट वैल्यू नहीं रखा है। यही इसी तरीके से हम अगर हम रखते हैं एक्स के अंदर ही, अब क्योंकि अब नीचे अब इसमें दूसरा वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बता रखा था कि आप एक ही वेरिएबल के अंदर अलग अलग तरीके के डेटा रख सकते हैं और उस डेटा के बेस पर इंटरप्रेटर उसका डेटा टाइप डिफाइन कर लेता है। तो अगर यहाँ पर मैं रखता हूँ -4, तो यहाँ पर अगर इसको प्रिंट कराऊँ, इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स और इंटर हिट कर, देखिए इंट बता रहा है, मींस कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर था और ये नेगेटिव हो गया। यह इसी तरीके से आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे एक्स में हम रख लें 100, बड़ा से बड़ा डेटा भी, जैसे वहाँ पर C++ में आप दोस्तों देखते थे कि हम बड़ा डेटा रखने के लिए लॉन्ग, स्मॉल इंट, इंट लॉन्ग, ये सारी चीज़ें रखते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप केवल एक ही डेटा टाइप रख सकते हैं, जैसे कि इंट हुआ, इंट में आप लॉन्ग भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं, सब रख सकते हैं, मीन्स कि एक डेटा टाइप के लिए केवल एक कीवर्ड रखा गया है, एक डेटा टाइप के लिए केवल एक ही डेटा टाइप रखा गया है। जैसे कि ये नहीं कि आप बड़े डिजिट के समय यहाँ पर एक्स में बड़ा डिजिट भी रख दूँ, यहाँ पर ऐसे इतना बड़ा डिजिट, तब भी इसको इंटीजर ही समझेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइथन बोलता है कि एक चीज के लिए केवल एक ही, एक काम के लिए केवल एक ही चीज यूज करिए, जैसे एक वर्क के लिए मल्टीपल तरीके से हम कर लेते थे कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट इसमें नहीं, इसीलिए पाइथन इतना ईजी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा चीज़ देख समझने सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ लीजिए और वही बता देगा इंट। अगर यही बड़े डिजिट के लिए हमें अगर इंट में साइन करते C++ में, तो वहाँ पर एरर देता है, बोलता है कि इतना बड़ा डिजिट हम इसमें रखते हैं, इसको लॉन्ग यूज करो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं, एक चीज़ के लिए एक चीज़ याद कीजिए, डेट्स इट। अब देख लेते हैं दोस्तों प्लॉट के लिए, तो दोस्तों जैसा कि प्लॉट के अंदर मैंने बताया था कि इसमें हम डिजिट के साथ डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट रखते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैंने रख दिया 2.3, तो ये अब इसमें देखिए डेसिमल आ गया, ये तब यूज में आता है दोस्तों, जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें आप किसी चीज़ की प्राइस की कैलकुलेटिंग करेंगे या किसी के मार्क्स निकालेंगे या फिर कोई भी ऐसे चीज़ करेंगे जब जो हम नंबर्स के साथ खेलेंगे किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ पर इन सारे डेटा टाइप आपको काम में आएंगे, इसलिए आप अभी से अच्छे से समझते चलिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, प्रिंट टाइप, और अब इस एक्स का टाइप अगर हम चेक करेंगे तो ये बताएगा कि अब एक्स क्या हो गया, प्लॉट टाइप का हो गया, देख लीजिए यहाँ प्लॉट बताने लगा, मीन्स कि ये प्री डिफाइंड जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उसी में से ये क्या करता है, इंटरप्रेटर उस डेटा को, उस वेरिएबल को समझ लेता है कि इसी डेटा टाइप के डेटा को होल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं रख लूँ एक्स में -33.34 और इसको मैं प्रिंट करूँ, टाइप एक्स, देखिए अब यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट बंद करना भूल गया, अब यहाँ पर इसको करेंगे, देखिए प्लॉट बताया, मीन्स कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था कि इंट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, C++ जैसी लैंग्वेज पढ़ रखा जिन्होंने, तो उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंट क्या होता है, प्लॉट क्या होगा हो रहा है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए अच्छे से विशेष ध्यान दे रहा हूँ जो कि पहली बार कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज का ही मतलब है कि बेसिक से बेसिक पॉइंट से लेकर एडवांस लेवल तक की हम बातें करेंगे इस सीरीज में और प्रोजेक्ट पर भी काम करेंगे, तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ें बताना हमारा फर्ज बन जाता है ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं, आप यहाँ पर देख लिए इंटीजर और प्लॉट में दोनों में डिफरेंस और दोनों का डेटा टाइप क्या होता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि उसमें एक रियल होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग या कोई मैथ पढ़ रखा होगा आपने, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आप जरूर पढ़ रखे होंगे, जैसे क्या होता है कि 2+3i, यहाँ पर i पढ़ते थे, जो कि मीन्स कि एक 2 क्या हो रियल पार्ट हो गया और एक इमेजिनरी पार्ट हो गया,
तो वो भी आप जब यहाँ इसमें आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसका भी यूज हो सकता है, यूज रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी नंबर भी क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। बट यहाँ पर आई यूज नहीं करेंगे उसको, उसके प्लेस पर पाइथन में हम जे यूज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। ये भी एक बिल्ट इन मेथड होता है, आप यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ कि एक्स के अंदर मैं एक ही वेरिएबल इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि ताकि आपको ये भी समझ में आए कि एक ही वेरिएबल को में हम अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू भी रख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर वाई या जेड भी आप ले सकते हैं, एज यहाँ पर रिक्वायरमेंट, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप वेरिएबल लेंगे। जब आगे हम पढ़ेंगे बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पर वेरिएबल भी बड़े बड़े होंगे, जो छोट जो उस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कि ताकि समझ में आ जाए कि हम इसमें कौन सा डेटा रखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि वेरिएबल्स वाले में कि उसके कुछ रूल्स भी होते हैं वेरिएबल नेम रखने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं रखूँ 1+2j, तो अगर आप मैथ या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है कि जैसे ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँ, इसके एक्स के टाइप को प्रिंट, और यहाँ पर लिखूँ मैं टाइप एक्स, तो आप देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बता रहा है, मीन्स कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है पाइथन। जब आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, मैथमेटिकल कोई फार्मूला लगाएंगे या फिर मैथमेटिकल किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक मेथड भी होता है, तो इस मेथड एज ए मेथड भी कॉम्प्लेक्स पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक्स के अंदर रख लिया कॉम्प्लेक्स और इसमें रख लिया 1, 2। अब मैं इस एक्स को प्रिंट करूं यहाँ पर, एक्स एक्स के टाइप को और एक्स को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एज ए मेथड भी यूज करता है। जैसे मैं यहाँ पर इसका पहले टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, एक्स प्रिंट किया, अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स बता रहा है। यहाँ पर भी एक्स का जो टाइप हो गया डेटा टाइप वो कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर इस एक्स को मैं प्रिंट कराऊँ प्रिंट एक्स, तो आप देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रिंट होगा, देखिए 1+2j जो कि यहाँ पर मैंने बनाया था उसी तरीके से इसने रिटर्न कर दिया। इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि नंबर्स जो डेटा टाइप है उसको हम तीन तरीके से यूज करते हैं, या तो इंटीजर यूज करते हैं, या फिर प्रॉट यूज करते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करते हैं। ये सारी चीजें मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल्स में समझाऊंगा, जहाँ पर हम डिटेल्स में वर्क करने लगेंगे तो ये आपको अच्छे से यूज में आएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो अब दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम स्ट्रिंग और बुलियन के बारे में देखेंगे, वो भी डिटेल्स में। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।